अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये एक पॉइंट है, ये Q1 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। ये Q2 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ये Q3 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर R3 है। और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका पोजीशन वेक्टर R0 है। तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। ये चार्ज जो है इसको इधर रिपेल करेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी। और ये चार्ज है इसको इधर रिपेल करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E3 होगी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 सो ऑन टिल EN। अब इसमें हम जैसे कूलम्स लॉ में किया था वैसे कर सकते हैं। तो ई नेट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P पॉइंट पे, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखेंगे 1/4πε0 Q1। ये डिस्टेंस R1 मान लिया, ये डिस्टेंस R2 मान लिया, ये डिस्टेंस R3 मान लिया। तो Q1 इंटू, अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो इसमें से इस वेक्टर को माइनस करेंगे, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब, जैसे हमने उसमें किया था कूलम्स लॉ में वैसे ही करेंगे। ऐसे ही E2 जो होगा 1/4πε0 Q2, जिस वेक्टर में से, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसके वेक्टर में से माइनस करते हैं, R0 माइनस R2 अपॉन R0 माइनस R2 वेक्टर के मॉड का क्यूब, ये प्रोसेस चलता रहेगा एंड सो ऑन। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हम वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो हमको चार्ज का साइन रखना पड़ता है, और जब हम केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसमें हम चार्ज का साइन नहीं लेते। या ऐसे समझ सकते हैं कि जब वेक्टर लेते हैं तो साइन लेना होता है, जब डायरेक्शन मान लेते हैं तो साइन नहीं लेना होता है।